स्वागत है चल पाई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में की है बैठक और बैठक से मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर दी गई है। दोस्तों लिखा गया है जनता को एक खत, बताएंगे आपको क्या कुछ लिखा है संयुक्त किसान मोर्चा ने और लोगों से अपील की है। इसी के साथ में करोड़ों खत भेजे जाएंगे एक एक जनता को, क्या है ये बड़ी अपडेट इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन बीजेपी के खिलाफ करेंगे जोरदार प्रचार। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, इसकी अपडेट भी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नोएडा में प्रचार के दौरान बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के सामने जनता ने दिखाए जूते, अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगे हैं नारे, क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं और इस बार 250 के पार है साइकिल की रफ्तार करते हैं इस बात का समर्थन, तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यूपी कहे आज का नहीं चाहिए। दोस्तों क्या पूरा नारा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी लोगों की ये नजर थी कि आखिर संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेने वाला है। आपको बता दें कि 15 जनवरी तक का समय मोदी सरकार को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दिया था, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाती हुई नजर आई, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की है जनता से। और इस अपील से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेताओं ने एक साथ मिलकर कई घंटे तक आपस में बातचीत की है और मिशन उत्तर प्रदेश को लॉन्च कर दिया है। दरअसल दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे लेटर को जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस लेटर में लिखा है कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे, ये सबसे बड़ा टैगलाइन यूज किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि शुरुआत होती है लेटर की, जिसमें लिखा है मेरे किसान साथी हम कभी नहीं मिले, लेकिन मेरी इज्जत आपके हाथ में है, बहुत मुश्किल से मेरी ये चिट्ठी आपके हाथ तक पहुंची है, इसे ध्यान से पढ़ना जी। आपको पता होगा कि देश के करोड़ों किसानों ने अपनी फसल और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर सर्दी गर्मी बरसात सहित सरकारी लाठियां खाई, दरबारी लोगों की गालियां सुनी, इस संघर्ष में 700 से ज्यादा किसान साथियों ने शहादत दी, इस ऐतिहासिक आंदोलन ने सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने को मजबूर कर दिया। आपने इस आंदोलन के बारे में सुना होगा, हो सकता है कि आप या आपके परिवार के लोग या गांव का कोई व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग इस आंदोलन में गए नहीं हो लेकिन दूर से ही उन्होंने अपना समर्थन दिया हो, और ऐसे में दोस्तों इस आंदोलन की जीत से हर किसान को गर्व हुआ है, आपको भी होगा। किसानों की एकता बनी रहे, किसान और लड़ाई जीते, इसमें सबका भला है, इसलिए इस आंदोलन का एक सिपाही होने के नाते मैं आपके अपना सगा समझकर ये चिट्ठी आपको लिख रहा हूँ। आपने लखीमपुर खीरी कांड के बारे में सुना होगा, शायद आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा निहत्थे आंदोलनकारी किसानों को गाड़ी से रौंदा। इस हत्याकांड में 4 किसान और एक पत्रकार शहीद हो गए। गुंडागर्दी खत्म करने का दावा करने वाली योगी सरकार ने इस मामले में क्या किया, ये सवाल पूछा गया है। वहीं पर दोस्तों हत्यारों को पकड़ने की बजाय उन्हें बचाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब जाकर मंत्री के बेटे को पकड़ा गया। कोर्ट की जाँच साफ कहती है कि इस हत्या के पीछे षड्यंत्र था, लेकिन असली षड्यंत्रकारी मंत्री अभी भी छूटा घूम रहा है क्यों, ये सवाल हमने बीजेपी के लोगों से पूछा है, क्योंकि बीजेपी को चुनाव में अजय मिश्रा टेनी की जरूरत है, इसके लिए किसानों की हत्या से ज्यादा बड़ा सवाल वोट का है, यही नियत किसान विरोधी कानूनों के पीछे भी थी जो हमारे फसल को ही नहीं बल्कि हमारी नस्ल को भी नष्ट कर देते हैं। पहले बीजेपी सरकार ने इस कानून का विरोध कर रहे किसानों पर आंसू गैस की गोलियां चलाई, वाटर कैनल बरसाए और लाठीचार्ज किया और झूठे मुकदमे बनाए, आंदोलनकारियों को दलाल आतंकवादी देशद्रोही बताकर किसानों का अपमान किया, फिर जब लगा कि चुनाव हार सकते हैं तो तीनों काले कानून वापस लिए गए, हमें आश्वासन देकर उठाया गया कि आपके द्वारा जो मांगे की जा रही है उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन उन मांगों से पूरी तरीके से ये लोग मुकर चुके हैं, हम किसानों के अपमान करने वाली बीजेपी को सबक सिखाने के लिए आज आपसे मदद की बात करते हैं। बीजेपी सरकार सच झूठ की भाषा नहीं समझती, अच्छे बुरे में भेद नहीं समझती, संवैधानिक और असंवैधानिक अंतर नहीं समझती, बस एक ही भाषा समझती है और वो है वोट की भाषा, और ऐसे में बीजेपी को वोट का चोट देकर ही समझाया जा सकता है। कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों से किए गए वादे से अपने पलट गई, वादा था कि किसानों को सारा लोन माफ कर दिया जाएगा लेकिन हुआ सिर्फ 44 लाख का और वो बस 1 लाख रुपए तक का, वादा था गन्ने की पेमेंट 14 दिन में दिलाने का, बकाया पैसे का ब्याज दिलाने का, सो नहीं हो पाया, और वादा था पर्याप्त और सस्ती बिजली देने का लेकिन देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में कर दी, वादा था फसल के दाना दाना खरीदने का लेकिन धान की पैदावार का 1/3 हिस्सा और गेहूं की पैदावार का 6 हिस्सा ही खरीदा गया है, वादा था गौवंश की रक्षा करने का लेकिन आज पूरे प्रदेश भर के अंदर किसान छुट्टे जानवर की मुसीबत से बेहाल हो गए हैं, आज प्रदेश में पलायन करता मजबूर भटकता बेरोजगार और बेहाल किसान, 100 बात की एक बात की इस किसान विरोधी बीजेपी सरकार के कान खोलने के लिए इसे चुनाव में सजा देने की जरूरत है, सजा कैसे देंगे यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार है, भाजपा का जो नेता आपसे वोट मांगने के लिए आए उससे इन मुद्दों पर सवाल पूछे, एक किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है, मुझे विश्वास है कि
आप वोट डालते वक्त मेरी इस चिट्ठी को याद रखेंगे। यह चिट्ठी उत्तर प्रदेश के हर किसान तक भेजना मेरे बस ही है। आप इसे प्रिंट कराकर खुद अपने फोन से भी शेयर करें और इसे अपने लोगों तक भेजें। इसी के साथ में किसान आंदोलन का एक सिपाही लिखा गया। आपको बता दें कि दर्शन पाल, हनान मोल्ला, जगजीत सिंह डालेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा, शिव कुमार शर्मा, राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव का नाम लिखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी संगठन ने एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूरा लेटर लिखा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो आप लोग अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों ये सामने आती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर इस किसानों के पत्र के बाद बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एक और बड़ी जानकारी है जहां पर बीजेपी को टिकैत ने जोरदार तरीके से घेरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में बड़ी रैली करने को लेकर जल्द ही फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि यूपी और उत्तराखंड के लोगों के बीच में पर्चे बांटे जाएंगे। उन्हें इस बात से अवगत कराया जाएगा कि बीजेपी ने उनसे किए हुए वादों को पूरा नहीं किया। सभी से अपील की जा रही है कि विधायक अपने नेता से सवाल पूछे, उनकी जवाबदेही तय करे। राकेश टिकैत ने माना कि केंद्र ने जो बजट पेश किया है उसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों को कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में उम्मीद थी कि बजट के अंदर राहत दी जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसानों के हाथ मायूसी लगी है। किसानों के गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाते हुए राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोला है। कहा गया वो 14 दिनों के अंदर भुगतान करने वाला बयान। यूपी में 11 महीने तक किसानों के हाथ खाली है, अभी तक उनको अपना पैसा नहीं मिला है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की तरफ से और भी कई सारे निशाने साधे गए हैं। तकरीबन 57 किसान संगठनों की तरफ से इस मोर्चे में शामिल होकर पत्र लिखा गया है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है जहां पर नोएडा के अंदर प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के सांसद का जनता ने जूते से स्वागत किया है। मनोज तिवारी का नोएडा में विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लग रहा है, उन्हें वापस जाने के लिए लगातार लोग कह रहे हैं। इस बीच एक वोटर ने पहले नारा लगाया, फिर जूते दिखाए और जोरदार तरीके से विरोध करके भगाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सांसद मनोज तिवारी का जोरदार विरोध होता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 17 झुग्गी झोपड़ी का बताया जा रहा है। यहाँ पर मनोज तिवारी भाजपा के प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंचे थे। इसकी शुरुआत सेक्टर 17 के झुग्गी झोपड़ियों से हुई, यही उनका विरोध हो गया। विरोध के बावजूद मनोज तिवारी ने श्रमिक कुंज, सेक्टर 66, सेक्टर 71, सेक्टर 82 में डोर टू डोर कैंपेन चलाकर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के लिए वोट मांगा है। भारी बहुमत से जिताने की बात कही है लेकिन इस तरीके का विरोध जो हो रहा है बीजेपी के नेताओं का और मनोज तिवारी का खासकर हमेशा से विरोध होता रहा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेताओं को ये जो जूता दिखाया जा रहा है इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। आप लोगों को जो कुछ भी लगता है लिखकर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए, इस तरीके के अपडेट के लिए।